जनपद मुरादाबाद में पुस्तक दान अभियान के अंतर्गत तेजी से कार्य को किया जा रहा है। मुरादाबाद के कांट रोड विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में प्रत्येक स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना होने जा रही है और उस लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी पुस्तकें और हमारे नौनिहाल उन पुस्तकों द्वारा अपनी शिक्षा को और उच्च स्तर तक लेकर जाएं। इसी उद्देश्य को लेकर पुस्तक दान अभियान को चलाया गया है। अब तक लगभग 40,000 पुस्तकें हमें प्राप्त हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और पुस्तकें हमें मिल जाएंगी ताकि हम उन पुस्तकों का अलग अलग बनाए गए पुस्तकालय में पहुंचा सकें ताकि हमारे जरूरतमंद विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब पुस्तक दान अभियान जो हम लोगों ने 5 जून से स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 40,000 किताबें इकट्ठी कर ली हैं। इसमें 22,000 किताबों जो हैं वो बाहरी जनपद जैसे भोपाल, इंदौर, जयपुर, कोटा, दिल्ली, जहाँ से हमें कॉलेजों से और लोगों के द्वारा प्राप्त कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 18,000 किताबें हम लोगों ने अभी मुरादाबाद जनपद से प्राप्त करी हैं, जिसमें 10 से 12,000 किताबें नगर क्षेत्र की हैं। शेष 6 से 7,000 किताबें अभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों से हमें उपलब्ध हुई हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने सभी यहाँ पर जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, सभी जो डॉक्टर्स हैं, उन सबसे भी अपील करी है कि वो हमें इस अभियान में सहयोग करें। इसके अतिरिक्त हमारी टीम जो है वो अभी कॉलेजों में विजिट कर रही है और कॉलेज की जो NSS की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जो डीन अकेडमिक्स हैं, उनसे भी संवाद स्थापित कर रही है कि कॉलेज के बच्चों की किताबें हम कैसे मोबिलाइज करें। और हमारा जो अभी प्लान है कि इस अभियान को हम 10 दिन और एक्सटेंड करेंगे जुलाई के महीने में, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि जो स्कूल्स अभी बंद हैं और वो खुल जाएं और उन स्कूल्स के अंदर भी हम मोबिलाइजेशन करें और मोबिलाइजेशन में जो बच्चों की पुरानी किताबें हैं जो आगे क्लास में आ गए हों या कोई ऐसी किताबें हैं जो यूज्ड हों वो भी हम उस मोबिलाइजेशन अभियान के दौरान उन बच्चों से इकट्ठा कर पाएँ। अपील सबसे यही है कि जो ये किताबें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ये बच्चों के पढ़ाई के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है। इन किताबों को हम लोग ग्राम पंचायत में जो हमारी पुस्तकालय बने हैं वहाँ पे भी रखवाएंगे, साथ साथ शहरी स्कूल्स में भी पुस्तकालय बनवाएंगे, उसमें भी हम इन किताबों को रखेंगे। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश उनको किताब नहीं मिल पाती है तो वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उन सब हर्डल्स को दूर करने में बहुत मदद करेगी। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि आप सब लोग आगे बढ़कर आएँ और कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 2 किताबें जो आपके घर में रखी हों उसको एटलीस्ट डोनेट कर दीजिए ताकि हम अपना जो लक्ष्य है कि 1 लाख किताबें लगभग हम कलेक्ट कर पाएँ उसको अचीव कर पाएँ।